उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के निर्माण का हवाई सर्वे केंद्रीय राज्य मंत्री वी के सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज हवाई सर्वेक्षण किया गया। चंबा, भैरवघाटी, नरेंद्रनगर, चुनियालीसौड़ में हवाई दौरा किया गया। मातली में समीक्षा बैठक हुई। R90 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जहां NGT की वजह से काम रुका हुआ है उसकी भी समीक्षा जारी है। हम लोग चाहते हैं कि चार धाम के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो क्यों रुके हुए हैं, कैसे उनको और तेजी दिलाई जा सकती है, कैसे जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो मेरे साथ गए ताकि सब चीज़ें देखी जा सकें और उनके ऊपर जो भी डिसीजन है वो लिए जा सकें। कुछ इलाका ऐसा कि जो NGT की वजह से प्रभावित है और जहाँ आप कोई रुकावट NGT की वजह से नहीं, वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, चाहे सुरंगों का काम होगा या रोड कटिंग का काम होगा या रिटेनिंग वॉल्स का काम होगा, अच्छा काम चल रहा है। जनरल साहब ने आज दौरा किया पूरा भैरव घाटी तक, उधर यमुना वैली में जो हनुमान चट्टी है वहाँ तक आज पूरा विजिट किया है। हमारे सहयोगी और उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से उत्तराखंड के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड रहा है, अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, आप बहुत डिले नहीं हो रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा जब्बार जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 इसका टारगेट पॉइंट रखा हुआ था कि तब तक हम ऑल वेदर सड़कों को पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद 2020 रखा गया और अब 2021 तक इन तमाम चीजों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए जनरल वीके सिंह को भेजा गया है कि वो वास्तविक स्थिति क्या है वो देख के आए। तो आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने तमाम जगहों पर चाहे चंबा, भैरवघाटी, नरेंद्रनगर, चिंदियालीसौड़ और मातली में समीक्षा बैठक की है तो और बाकी जगहों का हवाई सर्वेक्षण किया है। पंकज, ये बात समझी जा सकती है कि उत्तराखंड का जो आकार है, पहाड़ी इलाके हैं, जिगजैग रास्ते हैं, वहां पर लंबा वक्त लगेगा, मगर इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर के ही 2019 का टारगेट रखा गया रहा होगा। मुश्किलें कहाँ आ रही, किन वजहों से देरी हो रही है ज्यादा? देखिए, पहाड़ के कई इलाकों में NGT ने भी रोक लगाई हुई है क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान इस परियोजना के लिए हुआ, तो उसको देखते हुए, पर्यावरण क्षति को देखते हुए NGT ने कई जगहों पर रोक लगाई, जिसको देखते हुए चिंता मुख्यमंत्री ने भी जताई और वीके सिंह ने भी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। अब जिस तरीके से समीक्षा बैठक की गई है उसमें इस बात को निर्देश दिए गए हैं कि NGT में बढ़िया से पैरवी की जाए और मामले अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में भी अटके हुए हैं उनमें भी ठीक से पैरवी की जाए जिससे ऑल वेदर सड़कों का निर्माण तेजी से हो सके और जो टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 तक का दिया है उसमें इसको पूरा किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये संक्षेप में जाना चाहेंगे कितना काम अब तक हुआ होगा? देखिए, ज्यादातर लगभग 70 से 75% निर्माण कार्य हो चुका है ज्यादातर इलाकों में, लेकिन कुछ ऐसे पैचेस हैं जहां पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, वहां पे पूरी तरीके से NGT ने रोक लगाई हुई है, तो उसको लेकर जरूर चिंता सरकार की है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो मेन सड़कें हैं वो लगभग बनके तैयार हो चुकी हैं और कुछ में निर्माण कार्य। शुक्रिया पंकज, इन तमाम जानकारी के लिए।